नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार को जल्द ही मेट्रो के साथ साथ बुलेट ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। भारतीय रेल आम लोगों और व्यवसायियों की मांग पर ध्यान देते हुए उसे पूरा कर सकता है, क्योंकि वाराणसी हावड़ा रेलवे रूट हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का परिचालन के लिए सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया गया है। सर्वे करने वाली कार्य एजेंसी झारखंड के गिरिडीह में अपना काम शुरू कर चुकी है, जिसके बाद बिहारवासी भी अब बुलेट ट्रेन का आनंद ले सकेंगे, क्योंकि अब इस बुलेट ट्रेन को राजधानी पटना से होते हुए धनबाद और वर्धमान होते हुए परिचालित किया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बुलेट ट्रेन बिहार के 5 शहर बक्सर, आरा, पटना, बिहार शरीफ और नवादा से होकर गुजरेगी। इन शहरों में बुलेट ट्रेन के ठहराव के लिए स्टेशन भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि अभी यह तय नहीं किया गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है। बता दें कि बुलेट ट्रेन से कई घंटों की यात्रा कुछ घंटों में ही पूरी की जा सकेगी। दिल्ली से हावड़ा तक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाने की योजना भी बनाई गई है। इसको लेकर वाराणसी से दिल्ली के बीच में निर्माण कार्य को तेज कर दिया गया है। बुलेट ट्रेन के चलने से यात्री बेहद ही कम समय में दिल्ली से हावड़ा तक की दूरी को आसानी से तय कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के निर्माण के लिए सामाजिक प्रभाव और पुनर्वास पर होने वाले खर्च के सर्वे की जिम्मेदारी टीला कंसल्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोजेक्ट लिमिटेड और मोनार्क सर्वेयर्स एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है। वाराणसी हावड़ा रेल नेटवर्क के निर्माण कार्य ग्रोवर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड LN मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के कंसोर्टियम को दिया गया है। 760 किलोमीटर लंबी रेलवे ट्रैक के लिए एरियल सर्वे का काम 150 दिनों के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इसको लेकर बिहार की तरफ से भी मांग उठाई गई थी। पटना के व्यवसायियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में गुहार लगाई थी, जिसके तहत बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने दिल्ली से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन के परिचालन को पटना तक विस्तार करने की मांग की थी। इसको लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा गया था कि दिल्ली से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन का परिचालन का विस्तार करते हुए इस प्रोजेक्ट में बिहार की राजधानी पटना को भी शामिल किया जाए। इससे बेशक बिहार को भी बहुत ही फायदा मिलने वाला है, क्योंकि बिहारवासी लंबे समय से मेट्रो के इंतजार में बैठे हैं। ऐसे में उन्हें बुलेट ट्रेन की भी सौगात अगर मिल जाती है तो ये सोने पर सुहागा होने वाली बात है। इसके साथ ही आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।